स्कंद के 12वें अध्याय में है। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानति मिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम्नि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यस्तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। और हम सब ऑन द वे गवर्नर को मिलने जा रहे हैं झारखंड रांची में, इसलिए वापिस हमें रास्ते में ही क्लास लेना पड़ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, सिंसियर पार्टिसिपेशन है। हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी जहाँ परीक्षित महाराज के जो क्वालिटीज हैं, जो उनके गुण हैं, उसके बारे में ब्राह्मणों ने जो बताया, तो उसमें कुछ और श्लोक बचे हैं जो उनके गुणों के बारे में बताने वाले हैं। और हमने जस्ट पिछले सत्र में, यानी परसों के क्लास में, हमने देखा कि वर्ल्ड पीस लाने की शक्ति या क्षमता राजा परीक्षित में है। वो क्यों है, तो आप देख ही रहे कि उनके वजह से ही आज भागवतम मिला है, जिसके वजह से जो भी थोड़ा ह्यूमैनिटी अभी बचना चाहिए वो बचा हुआ है। हाँ, जो मलेच्छ हैं वो भी वैष्णव बन रहे हैं। हाँ, जो कर्मकांडी है वो भी वैष्णव बन रहे हैं, जो नास्तिक हैं वो भी वैष्णव बन रहे हैं, सब श्रीमद् भागवत की कृपा से। तो ये होता है, अगर सही साधु का संग किया जाए तो आप अपना ही नहीं अभी तो पूरे जन का कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि आप दान दे के, कपड़े वस्त्र दे के, ये सब दे के आप एक जन्म का तो चलो आप किसी को मदद कर सकते हैं, लेकिन जब आप भागवत देते हैं तो अनेक जन्मों का जो उसका बेड़ा है वो पार हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भागवत जैसे तत्वों को या विचारधारा को या जो एक स्थिति है, आध्यात्मिक स्थिति है, उसको ला के समाज में अगर दे दे तो समाज पूरा आनंदित हो जाएगा। तो परीक्षित महाराज ने सोचा कि जाते जाते जन कल्याण जो है तीव्रता से किया जाए, तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से इसका श्रवण करके हम सबको भागवत का उपलब्धि करवाया। तो हमने चार नियम के बारे में देखे थे, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। ये चारों ही जो हैं आपको इरिटेशन देंगे, इरिटेशन देंगे यानी आपको हमेशा अस्थिर रखेंगे, तमोगुण में रखेंगे। और तमोगुण में, प्रायः तमोगुण का स्वभाव ही है, तमोगुण है, ये कैसे पता चलता है? आपको दुख होते रहता है, कष्ट होते रहता है। सत्वगुण में कष्ट नहीं होता है। हाँ, अगर आप सात्विक आहार भी करते हैं ना तो कष्ट नहीं होगा, वही है कि मसालेदार चटपटा नहीं लगेगा, पर सात्विक आहार करेंगे तो आपको कष्ट नहीं होगा। और अगर आप सात्विक विचार रखते हैं तो आपको बहुत आनंद आएगा। आप दूसरों के बारे में भला सोचते हैं तो लोग भले आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं, लेकिन आपको कष्ट नहीं होगा क्योंकि आप लोगों के बारे में भला सोच रहे हैं, आप कल्याणकारी सोच रहे हैं, तो ये सात्विक सोच है। लेकिन अगर आपने सोच में भी अगर आपका तमोगुणी भाव आ गया, यानी भोग वृत्ति आ गई, दूसरों को कष्ट देने का भाव आ गया, तो वो जो है वो आपको दुख देने लगेगा, अपने आप दुख देने लगेगा। तो इसलिए हमारी तरफ से हमें बेस्ट करते रहना चाहिए, सात्विक विचार रखना चाहिए। तो ये चार नियमों का पालन बहुत जरूरी है कलयुग में। प्रभुपाद जी बोलते थे कि देखिए कलयुग में हम 16 माला, पहले तो उनके जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने तो सीधा आज्ञा दिया था कि 64 माला करिए, हरे कृष्ण महामंत्र के 64 माला जप करिए। 64 माला जप करने के लिए 8 घंटा लगता है। ये तो वो व्यक्ति कर सकता है जो खेती करके आया, फिर अपना माला किया और भजन किया। लेकिन फिर आजकल मॉडर्न लाइफ हो गया है, सब भागा दौड़ी में है, एकदम रैपिड फायर की तरह सब लोग भागते रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि आप उतना 64 माला नहीं कर पाइएगा। तो प्रभुपाद ने उसको 16 पे लाए, बोला 16 से कम नहीं, 16 तो आपको करना ही होगा। तो 16 माला जाप बोला था, और प्रभुपाद ने बोला कि 4 नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। वो यही 4 नियम है कि मांसाहार नहीं करना, क्योंकि मांसाहार करने से
अन्य प्राणियों को आप आपने एक बार कष्ट देना चालू कर दिया तो उनका जो हाहाकार है वो आपको लगते रहेगा। उनका एक बार हाहाकार लग गया तो आपको फिर आप अपने आप को बचा नहीं सकते। हाँ, क्योंकि स्पेशली जो मूक प्राणी है, जो बोल नहीं सकता, अपना अभिप्राय व्यक्त नहीं कर सकता, उसके बारे में ये कह देना कि ये जो है इसको आत्मा ही नहीं है, जैसे क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि अरे प्राणियों में आत्मा नहीं होता, खुद ही कहते कि मैंने सोशल एनिमल, तो इसका मतलब आत्मा मनुष्य में भी आत्मा नहीं, तो मारवा फिर, तो कल तो तुम मनुष्य को मारने लगोगे। तो ये लोग अपना फिलोसफी सूट करने के लिए, खाना है हमको नॉनवेज, तो फिर फिलोसफी को ही घुमाना चालू कर देते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है, वो बोल नहीं पाता, इसका मतलब नहीं कि उसका आत्मा नहीं डिक्लेयर करके आप खा लो, ये गलत है। और ऐसे अनाड़ी लोगों को वो काला कोट पहना के, व्हाइट कोट पहना के, फादर मदर सिस्टर डिक्लेयर करके उल्लू बना देते हैं। हाँ, और एक 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 पंथ तो बोलता है कि हम सिर्फ यही खाने के लिए ही पैदा हुए, कि बकरियों का पॉपुलेशन बढ़ जाए तो हमको खाने के लिए भेजा। हाँ, तो ये जो विचारधाराएं हैं ये काफी बकवास विचारधाराएं हैं, इन विचारधाराओं का कोई वैल्यू नहीं है, और इसका इसके वजह से ही अशांति है। अगर आप देखेंगे तो स्पेशली मिडल ईस्ट कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में डेली वायलेंस है, हर हर एक व्यक्ति का वहां दिमाग गर्म है, लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, मारामारी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो वायलेंस से चालू होता है, तो मीट ईटिंग नहीं करना है। हाँ, और फिर परस्त्री व्याभिचार नहीं करना है, क्योंकि एक बार आपने ऐसे संबंध बना लिए तो ये सब संबंध बड़े जटिल होते हैं, तो आपका माइंड जटिल हो जाएगा, आपके संबंध जटिल हो जाएंगे, और ईगो हर्ट हो सकता है, क्योंकि अगर वो किसी और की बेटी है या पत्नी है या कोई है तो ईगो हर्ट होगा, वहाँ वायलेंस होगा, फिर क्राइम होगा, क्राइम होगा तो फिर तहस नहस होगा, अनस्टेबिलिटी। और अगर आपको कुछ भी नहीं हुआ तो भी वो डिमांड्स में ही मर जाएंगे, जो व्यक्ति अफेयर रखता है तो उसको डिमांड्स बहुत पूरे करने पड़ते हैं। तो ये सब जो टर्मोइल है वो पहले जानता नहीं और इसमें फंस जाता है, तो इससे हमें बच के रहना है। और नो इंटॉक्सिकेशन, नशा नहीं करना है, क्योंकि नशा है तो नशा कौन करता है? जो एक्चुअली अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाता, वो ये स्वीकार नहीं कर पाता कि ये जो मेरे साथ हुआ मैं डिजर्व करता हूँ। कभी ब्रेकअप हो गया, या कभी मनी लॉस हो गया, बिजनेस लॉस हो गया, नौकरी से निकाल दिए गए, तो ये सब लॉसेस को वो बेयर नहीं कर पाता, वो स्वीकार नहीं कर पाता कि मैं डिजर्व करता हूँ, तो वो फिर भुलाने के लिए नशा करता है। नहीं तो जनरली नशा वो आदमी कभी नहीं करेगा जो सक्सेसफुल है, वो टाइम पास के लिए थोड़ा नशा कर लेगा दिखाने के लिए, लेकिन वो एक्चुअली आनंद ले रहा है, ये जो नहीं ले पाता वो करता है। तो इसलिए नशा से हमें बचना है और अस्तित्व को स्वीकार करना है। और चौथा है नो गैम्बलिंग, जो जुआ ये सब जो है इसे बच के रहना है, क्योंकि इतना मेहनत से आप कमा रहे हो, उसमें डाल रहे हो। अब तो फिलहाल ऐसा हो गया है कि सब कुछ जुआ, देशी जुआ से चल रहा है, मतलब जितना बनिया सरकार बने हैं तो जितना सरकार बनियागिरी करते रहेगा उतना उसको जुआ ये सब चालू रखना पड़ेगा। यूएस में तो एक पूरा शहर डेडिकेटेड है, लास वेगास करके शहर है, वो शहर केवल और केवल इसी पे ही चलता है। अगर कोई कह रहा है कि मैं वहां जा रहा हूँ तो और कुछ करने नहीं जा रहा है, वो दारू पीने जा रहा है, चार नियम तोड़ने के लिए ही जा रहा है। तो कली ने क्या कर दिया, लास वेगास में अपना अड्डा खोल दिया है, और अभी दुर्भाग्य से भारत में भी गुड़गांव, नोएडा, हाँ पूना, मुंबई, ये सब जो एरियाज बन चुके हैं, यहाँ पब वब ऐसे खुल चुके हैं, और यहाँ पे यही सब चलता है। हाँ, वहाँ पे वेस्ट में पोल डांस करना पड़ता है। हाँ, ये लोग क्या करते हैं, महिलाओं को फ्रीडम फ्रीडम बोल दिया, अब महिला लोग को जॉब करना पड़ रहा है। पहले तो पति का आराम से बैठ के खाती थी, लेकिन अब नो 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 वी वांट फ्रीडम, उनको बाहर ले आया है और उनको कंगाल बना दिया है, और कंगाली में वो या तो गलत काम कर रहे हैं, वेस्ट में तो लिटरली पोल डांस करते हैं। कुछ कुछ ऐसे माएं जो अपने बच्चों को पालने के लिए पोल डांस करना पड़ता है, पोल में आपको अपना लटक के नाचना पड़ता है। तो ये कल्चर अब भारत में भी कहीं कहीं आ रहा है, ऑब्वियसली बस कुछ और टाइम का बात है, पांडव सेना इधर तो भारत पे तो होने नहीं देगा, वेस्ट में हो गया, वेस्ट में हो गया, उसको भी ठीक कर देंगे। तो ये जो कल्चर है ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारा मेथोडोलॉजी नहीं है। तो यहाँ पे क्लियर लिखा है परीक्षित महाराज के माध्यम से, हमको ये पता चल रहा है कि ये एकदम जो चार नियम है हमको एकदम क्लियर रखना चाहिए। तो अगर कोई शासक अगर भारत में हो या कहीं भी हो, कहीं भी पूरी दुनिया में, तो ये चार नियम का पालन करवाना ही है, और एकादशी करना चाहिए, वो तो धार्मिक भाग है। इवन एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चार नियम बहुत जरूरी हैं। आप इमीडिएटली सोसाइटी में पीस बन जाएगा, शांति हो जाएगा,
जो पीस भंग होता है वो ये छह अनर्थों के कारण होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। और ये हम सब जानते हैं बचपन से, भारत में तो हर कोई जानते हैं कि छह अनर्थ हैं। इन छह अनर्थों को आप बढ़ा नहीं सकते, ये जो चार नियम तोड़े जाते हैं ये अनर्थों को बढ़ाने का मौका है। आज हर मूवी में, हर एड में, हर छोटे मोटे चीज में दारू दिखा देते हैं, कॉफी दिखा देते हैं, हाँ हर एड में रोमांस देते, छोटे मतलब छोटे से जो हर चीज में वही चीज दिखाए, तो कहाँ तक ये फैल गया है जहर। वो तो निकल जाएगा, क्योंकि निकालने वाला आएगा तो ये निकल भी जाएगा, तो जैसे होगा अपना ये सब घटते जाएगा। तो आइए हम सब 27वां श्लोक लेते हैं जो हम लोग पढ़ नहीं पाए। हरे कृष्ण। तक्षकादत्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जिता प्रपत्स्य उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। आफ्टर हियरिंग अबाउट हिज डेथ विच विल बी कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ अ स्नेक बर्ड सेंट बाय अ सन ऑफ अ ब्राह्मणा ही विल गेट हिमसेल्फ फ्रीड फ्रॉम ऑल मटीरियल अटैचमेंट एंड सरेंडर अन टू द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड टेकिंग शेल्टर ऑफ हिम। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आप ये जो बच्चा होगा आगे जाके इसको तक्षक नाम का जो सांप है वो आके इसको इसका अंत करेगा, लेकिन उससे पहले ये भगवान का शरण लेके ये अपना रास्ता जो है भगवत धाम का प्राप्त कर लेगा और ये सारे आसक्तियों से मुक्त हो जाएगा। अब इससे पहले जितने श्लोक ब्राह्मणों ने कहे, जो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को इस बच्चे के बारे में बताए कि वो इसकी तरह है, उसकी तरह है, ये ऐसा है, वैसा है, तो कोई भी ब्राह्मण फ्लैटर करके राजा से पैसा लेने के लिए बोल सकता है, या तो राजा के सामने डर के मारे अच्छा बोल सकता है। ब्राह्मण वो वर्ग है जो चाटुकारिता करता नहीं, वो सीधा बात करता निकल जाता है, इसलिए राजा लोग ब्राह्मणों को अपने दरबार में रखते थे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वो जो बोले वो गलत बोले थे या इसी मतलब चढ़ा बढ़ा के बोले थे कि वो जेन्युइनली ये बोल रहे थे। अब उसका प्रूफ है ये श्लोक, क्योंकि इस श्लोक में वो बता रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है और ये हुआ है, तो इसलिए पिछला वाला भी सारे स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे तक्षक जो है वो आएगा, काट के ले जाएगा और ये अपने जीवन का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। देखिए हमको हमारा जीवन है ना परीक्षित से सीखने लायक है। परीक्षित महाराज बहुत अलर्ट होते थे। अलर्ट का मतलब है कि दक्ष, यानी आप तत्पर हो कि अब गरुड़ जी आए हम निकले, अब मृत्यु आए हम निकले। ये नहीं कि मेरा क्या होगा, इनका क्या होगा, कैसे होगा, मेरे जाने के बाद क्या होगा। कई बार लोग प्रचार के लिए जाते हो सेंटर से आ सकते थे कि मैं प्रचार नहीं करूंगा तो कैसे होगा। अरे लोग तुम्हें भूल जाएंगे, भगवान को हर कोई याद रखता है। कई बार लोग कहीं कोई काम करने जाते, उनको लगता है कंपनी मेरे वजह से चल रही थी, अब मैं चला जाऊंगा तो इस कंपनी का नुकसान होगा, वो चला जाता है कंपनी वैसे ही चलते रहते हैं। हाँ वैसे ही लोग, और राजा को लगता है कि मैं चला जाऊंगा तो मेरी प्रजा रोएगी, मरेगी, कुहरेगी, कुछ नहीं होगा, नया राजा आएगा, थोड़ा समय लगेगा, मंत्री परिषद बैठा के सब हो जाएगा। भारत में भी लोग लगता है कि अरे कांग्रेस को लगता था कि वो कर रही है तो अब बर्बाद हो जाएगा, वो फिर भी चल रहा है। बीजेपी को लग रहा है वो कर रही है लेकिन वो भी चले जाएगी तो भी चलते रह रहा है। अभी अनेक स्टेट्स में तो बदलते रहते हैं, कुछ नहीं होता, पेड़ वैसे ही उग रहे हैं, बारिश वैसे ही गिर रहा है, लोग वैसे ही खा रहे हैं, लोग वैसे ही तो ये सोच कि राज या कंट्रोल से सब कुछ होता है, ये कंट्रोल पहले से ही भगवान के कंट्रोल में पूरा दुनिया है, उन ये सब की हम उनको जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो एक भ्रम है हमारे, हमने पाल रखा है, उसे निकालना जरूरी है। और परीक्षित महाराज की तरह तत्पर रहना है कि हाँ अब समय आ गया, अब बुढ़ापा आ गया, अब मैं 60 का हो गया हूँ, अब मुझे केवल भगवत कार्यों में लगना चाहिए, बाकी जो चीजें हैं ये मुझे मेरे बच्चों को या मेरे नीचे जो भी है उनको समर्पित कर देना चाहिए। लोग छोड़ नहीं पाते, हमने पिछले कुछ परपोर्ट्स में भी देखा, लोग आसक्ति है छोड़ नहीं पाते, लोग बिल्कुल छोड़ नहीं पाते। हाँ उनको बहुत एंग्जाइटी होता है, बहुत एंग्जाइटी होता है। हम सब एक मंदिर के पास बैठे हैं, यहाँ बहुत अच्छे छोटे छोटे पौधे हैं, पता नहीं किसी के, तो लेकिन आपको पीछे पेड़ दिख रहा है ये आम का पेड़ है ऊपर। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि हमें तत्परता से निकल जाना चाहिए, वहां से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं अब मेरे वजह से सब चल रहा है। स्पेशली 60 के बाद तो अपने बच्चों को इनको दे देना चाहिए पावर और मुक्त हो जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आदमी अपने ही फील्ड में लगा रहता है, लगा रहता है और वही काम करते रहता है,
है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण का बच्चा है, वो इनको श्राप देगा और उसके वजह से तब ये भक्ति प्राप्त करके अपना निकल जाएंगे और क्लियर हो जाएंगे। 28वां श्लोक। जिज्ञासितात्मयात्यर्थो याथार्थ्यो मुने मुने व्यास सुतादसौ हित्वेदं नृपगंगायां यास्यति यास्यत्यद्धाकुतो भयम्। आफ्टर इंक्वायरिंग अबाउट प्रॉपर सेल्फ नॉलेज फ्रॉम द सन ऑफ व्यासदेव हु विल बी अ ग्रेट फिलोसोफर ही विल रिनाउंस ऑल मटीरियल अटैचमेंट एंड अचीव अ लाइफ ऑफ फियरलेसनेस। तो यहाँ पे प्रोपद कह रहे हैं कि जो फिलोसफी है वो सारा फिलोसफी सीख लेंगे व्यासदेव के पुत्र से यानी शुकदेव गोस्वामी से, और वो अपने जीवन को सारा छोड़ के वो अभय जिंदगी जिएंगे। अभय का मतलब है फियरलेस, यानी जिसको भय ना हो वो। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। भगवान गीता के 16वें अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं जो मेरा भक्त है वो अभयता को प्राप्त होता है, यानी उसे किसी चीज का भय नहीं रहता। तो यहाँ परीक्षित महाराज जो है वो अभयता को प्राप्त करने वाले हैं, और अभय उनको प्राप्त हो जाएगा जब वो शुकदेव गोस्वामी से भगवत कथा सुनेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, तो वो अभयता को प्राप्त हो जाएंगे। और यहाँ हमने देखा है कि श्रीमद् भागवतम का उगम जो है वो यहीं से हुआ। परीक्षित महाराज ने पूछा कृष्ण और बलराम क्यों आए थे, कैसे आए थे, क्या हुआ, उन्होंने जीवन का लक्ष्य पूछा, और सारा सवाल जवाब जो है शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में हुआ। उसका वार्तालाप शौनक आदि ऋषि और सूत गोस्वामी में हुआ, और वो व्यासदेव जी ने हम सबको ग्रंथ के माध्यम से दे दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्रंथ भी अगर कंपाइल करना है तो ऐसा कंपाइल कन्वर्सेशन कंपाइल करना चाहिए जो जीवन में काम आए। अब ये हैरी पॉटर और ऐसे ऐसे जो दंत कथाएं हैं यानी जो मानसिक कथाएं वह है ही नहीं, और उसको झूठों का रंगीन बना बना के सस्पेंस वायलेंस रोमांस सब घुसाड़ के उसको बस थ्रिल बना के रख दिया है, और आजकल के लोग उसी को नो एकदम ओ आई एम रीडिंग हैरी पॉटर दिस डेज। अरे बे पागल, वो किसी के मन की संकल्पना को पढ़ के क्या मिलने वाला है। पढ़ना है तो वो पढ़ो जो तुम्हारे जीवन में काम आए, किसी की संकल्पना को वो पढ़ के कोई फायदा नहीं। हाँ कहते ना जिस कवि की कल्पना में गीत हो, क्या बोलते हैं प्यार का गीत हो, उस कवि को आज तुम नकार दो। ऐसे ऐसे लोगों को नकार दो। हाँ प्रेम गीत जो जो ये बकवास प्रेम नेम की बातें कर रहा है उसको नकार दो, वो काम का नहीं है। तो ये भागवतम जो है ये तथ्य है। हाँ ये प्रॉपर तथ्यों पे चलने वाला, फैक्ट्स को सारे ओरिजिनल हिस्ट्रीज को लिखा गया है जो ओरिजिनल घटनाएं हैं, और उनका मकसद है कि हम भगवान को जान पाए और हम भगवान से जुड़ पाए, ये उसका मकसद है। ये कोई बस जादूगरी का चीज नहीं, जादू से भी ज्यादा बड़े बड़े जादू इसमें लिखे गए हैं, लेकिन वो जो सच हुए हैं वो लिखे गए हैं, जो हायर पावर्स हैं सेलेस्टियल पावर्स हैं वो सब लिखे गए हैं। ये हमारे जन के कल्याण का है। और परीक्षित महाराज जब सवाल भी पूछते थे तो वो पूछते थे जो खुद के कल्याण का हो और दूसरों के कल्याण का हो। तो श्रीमद् भागवतम का जो रस है वो सब आस्वादन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी की कृपा से हम सब उसको अभी ट्रांसलेशन के माध्यम से समझ रहे हैं, भक्तों के माध्यम से। ठीक है, तो प्रभुपाद यहाँ एक बहुत अच्छा चीज लिखते हैं, मटीरियल नॉलेज मीन्स इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज ऑफ वन ओन सेल्फ। भौतिक ज्ञान जो है वो आपको अपने बारे में कुछ नहीं बताता है। फिलोसॉफी मीन्स टू सीक आफ्टर द राइट नॉलेज ऑफ वन ओन सेल्फ। और फिलोसॉफी क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, तो तत्व ज्ञान का मतलब है कि अपने बारे में समझाने वाला ज्ञान। विदाउट सेल्फ रियलाइजेशन फिलोसॉफी इज ड्राई स्पेकुलेशन और वेस्ट ऑफ टाइम और एनर्जी। तो बिना शास्त्रीय ज्ञान के बिना आध्यात्मिक ज्ञान के आप जो भी करेंगे वो केवल व्यर्थ समय गंवाने के बराबर है। अभी हमारे आश्रम में दो भक्त ज्वाइन किए, दो तीन अभी अभी आए, मैं आया था तो मिले, तो वो बोल रहे हैं कि प्रभु अभी हम लोग चार धाम यात्रा गए थे तो उनके ऊपर लौटता हो, जबकि वो बहुत नए डिवोटी हैं, तो उनके ऊपर सर गुरुकुल का भार छोड़ के हम सब गए थे फिर वापिस आए। तो मैंने डिवोटी से पूछा कि कैसा रहा सेवा, तो वो बोले प्रभु जी अब जो हम सेवा किए हैं ना, अब हम जब भगवद गीता पढ़ते हैं
तो हमको बहुत रिवील सा होता है। तो मैंने उनको यही कहा कि देखो, आके लीडर का आगे पीछे भटकना और ये सब करना, ये सब आसान है, लेकिन सेवा है ना, वही एक्चुअली चाबी है शास्त्रों की। जब आप भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, किसी बड़े वैष्णव की सेवा, स्पेशली प्रभुपाद जैसे मूवमेंट की सेवा आप करते हो, तो चाबी खुल जाता है, दरवाजा खुल जाता है कृपा का, ऐसे अंदर आने लगता है। वही गीता के श्लोक जो आपको नहीं समझ रहे थे, वो दनादन 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 अंदर जाने लगते हैं। तो स्पेशली भागवतम या कोई थियरी नहीं है, ये कोई थियरी नहीं जो आपने पढ़ लिया समझ लिया, ये एक्चुअली जब तक आप गुरु की सेवा नहीं करते हैं तब तक आपको वो रिवील ही नहीं होगा। तो रिवील होना होने के लिए गुरु की सेवा करनी चाहिए, और ना मिले तो मांग के करनी चाहिए, नहीं कि नहीं कर रहे, मांग के करनी चाहिए कि नहीं हमें कोई सेवा दीजिए। तो ये जो है, परीक्षित महाराज ने ऑलरेडी एज अ राजा अपना सेवा किया था, अब वो गुरुजनों के चरणों में बैठे हैं, तो अब वो ये पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। याद रखिए, अब वो क्वालिफाइड है समझने के लिए। कई बार माता जी लोग अपना पति धर्म नहीं निभाते, जो पत्नी है तो पत्नी का बहुत सारे कर्तव्य होते हैं उसको नहीं निभाते, शॉर्टकट खोजते हैं। कई बार पति जो है वो अपने कर्तव्य को नहीं करता है, कई बार जो गुरु की सेवा नहीं करता है, और फिर जब गुरु जी आते हैं तो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, एकदम परफ्यूम वगैरह लगा के, जय हो गुरु महाराज, जय हो, 1,000 रुपए वहां निकाल के ऐसे दिखाएंगे जैसे यही सब चला रहे हैं। तो वैसे करने से आप अपने आप को ठग रहे हो, क्योंकि गुरु तो एलिवेट हो चुके हैं, लेकिन आप अपने आप को ठग रहे हो, क्योंकि आप नाम में रुचि लेने के बजाय आप ये सब काम कर रहे हो, हाँ, जिसमें सिर्फ आर्टिफिशियलिटी है, उसमें समर्पण नहीं है। तो समर्पण बहुत जरूरी है, और परीक्षित महाराज ने अपना जीवन पूरा समर्पित किया था, हाँ, प्रजा के कल्याण के लिए, और इसलिए वो जब वो अब वो बैठ के शास्त्र सुनेंगे तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हरे कृष्ण। और एक श्लोक है, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा कल ले लेंगे, इसमें ब्राह्मणों का अभी हो गया, सो जो उनका जो प्रेडिक्शन है वो हो गया। अगला जो है उसमें एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज के बारे में थोड़ा सा बताया, तो हम कल इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हम सब अभी जा रहे हैं गवर्नर जी को मिलने। यस, कोई क्वेश्चन है तो एक आध क्वेश्चन में कोई ले लूंगा, बस एक क्वेश्चन जो लगेगा बहुत इंपॉर्टेंट है आप पूछ सकते हैं। श्याम प्रभु ने हाथ ऊपर किया, क्वेश्चन के लिए किया, इसी के। ठीक है, दिनेश कुमार जी आप पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। यस यस, हरे कृष्ण। प्रभु जी एक क्वेश्चन था, थे और सब मेरे पास भी ऐसे, मैं हम लोग भी कभी ट्रेवल करते हैं तो उस वक्त कल एकादशी साथ एकादशी भी और ट्रेवल माइक तो माइक ठीक से पकड़िए, क्वेश्चन हेलो, क्वेश्चन पूछे ना फिर। एकादशी हाँ के हाँ दिन क्या एकादशी में ट्रैवल अपना करते हैं आगे क्या। दिन, मतलब एकादशी प्रभु जी आपका आपका ना, सुनिए, रेंज का प्रॉब्लम है, आवाज कट कट के आ रहा है, तो उसको होल्ड करिए, है ना। आप अपना क्वेश्चन टाइप करके रख दीजिए यहाँ पे, अभी सुनाई नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम वो हो रहा है। यस विजय जी। जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मोक्ष, मुक्ति और गोइंग बैक टू गॉड हेड, ये तीनों में क्या अंतर है प्रभु जी? अंतर है कि नहीं, और अंतर है तो क्या है प्रभु जी? ये मैंने पहले सारे लेक्चर्स में बताया है मोक्ष और मुक्ति के बारे में। वो बेसिकली देखिए क्या है, मोक्ष क्या है कि मुक्ति, यानी क्या है, जैसे आप कहीं फंसे हुए हैं तो उसमें से आप मुक्त हो गए, जैसे लोन है तो लोन से मुक्त हो गए, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं मुक्त हो जाते हैं। मुक्त यानी उस करंट बंधन से हट जाना, मोक्ष का मतलब है भव बंधन से निकल जाना, समझ रहे हो। तो है मोक्ष भी मुक्ति ही है, लेकिन मोक्ष उस तब यूज किया जाता है जब आध्यात्मिक स्तर में यूज किया जाए, तो उसको मोक्ष कहते हैं, उसको मुक्ति भी कह सकते हैं, पर जनरली मोक्ष फिर कहते हैं। मोक्ष यानी भाई अब ये निकल, निर्वाण हो रहा है, निकल रहा है, निकलना चाहता है सर। ठीक है, तो प्रभु जी अभी एकादशी के हम, दिन क्या हाँ बोलिए। हाँ दिनेश जी आ रहे हैं आपका आवाज, बोलिए। है? हाँ सर, अभी प्रभु जी कह बोलिए। रहे, एकादशी के दिन क्या हम ट्रेवल का यात्रा कर सकते हैं? मैं तो कल ही ट्रैवलिंग करके आया, जी
प्रैक्टिकल रहो, प्रैक्टिकल रहो, जरूरी है तो करो, नहीं है तो अपने एक जगह बैठ के भजन करो, क्या दिक्कत है। नहीं अगर ओके जाना जरूरी है तो प्रभु जाके आजकल। हरे कृष्ण। तो कल मिलते हैं हम जी, सब प्रभु जी, कल हम सब ठीक मिलेंगे। अभी रास्ते में ही है, नीचे चींटियां काट रहे हैं मुझे। देखिए ये बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हैं, कृष्ण, पता नहीं क्या चीज के हैं, पौधे हैं, बहुत अच्छे हैं। और मंदिर भी है, हरि मंदिर भी है, बोल, और हरे कोई कृष्ण, तो शिव जी का मंदिर। तो हरे हरे कृष्णा, कल कृष्णा मिलते हैं। प्रभु बाय जी, बाय। तुम्हें कुटिया हरे कृष्णा रखता प्रभु जी। सुरक्षित।